सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और इस वक्त नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबर, जिसमें खासतौर पर अगर आज की हम बात करें तो आज जिस खबर पर दिन भर नजर रहेगी वो होगी मोहम्मद मुइज्जू से जुड़ी। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के दौरे पर है और इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर बात होगी, जिससे आगे आने वाले समय में मालदीव और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। तो इस खबर पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और इस अगले एक घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका। और जिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर हमारे आज नजर रहने वाली है वो है वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार इस समय प्रतिबद्ध नजर आ रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक अहम बैठक होने वाली है, आपको बताएंगे इससे तमाम जुड़े विषय। इसके साथ साथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस कनेक्ट 4.0 का भी उद्घाटन करने वाले। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार, एंटरटेनमेंट जगत से भी, बताएंगे आपको ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी, संघर्ष में आगे किस तरीके से आगे बढ़ रहा और दुनिया किस तरीके से नजर लगाए बैठी है। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले नया सवेरा की बड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज दिल्ली में होगी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की द्विपक्षीय बैठक, कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 8 नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक, बैठक में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की होगी समीक्षा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की पेशी आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के पास धमाके में 2 चीनी नागरिकों की मौत, चीन ने पाकिस्तान से कहा हमले की पूरी जांच करें। और हमास के हमले की बरसी पर इसराइल ने गजा और हिजबुल्लाह पर तेज किए हमले, हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली शहर हाइफा में 10 लोग घायल। और नया सवेरा की इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा से, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। मोहम्मद मुइज्जू का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक राजकीय स्वागत होगा और इसके बाद वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही उसके बाद में आज शाम वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। साथ ही वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी आज मुलाकात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ उनकी पत्नी और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भी भारत यात्रा पर है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति मिलेगी। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस समय भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि आज जो मुलाकात होने वाली है द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मुइज्जू के बीच, वो भारत और मालदीव के रिश्तों को और प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मुइज्जू के बीच एक अहम द्विपक्षीय मुलाकात है, किन अहम क्षेत्रों पर बातचीत हो सकती है, MOU हो सकता है और इसके साथ साथ मोहम्मद मुइज्जू का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात, चूंकि हमारा पड़ोसी बहुत अहम पड़ोसी है भारत के लिहाज से, अगर देखें इंडियन ओशन रीजन में हम अपनी
जो सीमा है वो साझा करते हैं। सागर विजन जो प्रधानमंत्री का, उसका अहम साझेदार भी है। और खास तौर पर अगर देखें तो कई सारे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं उसमें हम मालदीव की मदद कर रहे हैं, वहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, सर्वेलेंस की बात करें, कई ऐसे मामले हैं जब भारत ने आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा मदद की है। तो ये दोनों देशों के अगर रिश्तों की बात करें तो बहुत लंबे वक्त से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। और ख़ास बात ये अगर बात की जाए इस वक्त, तो आज की जो मीटिंग है, आज की जो मुलाकात है, उसके दौरान दोनों देशों में अगर ब्लू इकोनॉमी की बात करें, खासतौर पर एंटी पायरेसी मिशन हैं और उनको लिहाज से, और जिस तरीके से तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से भारत और मालदीव एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, इन पर बातचीत हो सकती है। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, इस पर लगातार भारत अपनी बात पूरी दुनिया में रखता रहा है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। और किस तरीके से वैश्विक स्थिति में जिस तरीके से भारत का बढ़ता रोल है, तमाम वैश्विक संगठनों में भारत को कितनी मजबूती के साथ मालदीव की मदद मिल सकती है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और सबसे खास बात कि आपसी बातचीत के दौरान किस तरीके से पीपल्स टू पीपल टाइज को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे। और जिस तरीके से आईटी एक ऐसा क्षेत्र है, मेक इन इंडिया की अगर खास तौर पर बात करें, इन सारे क्षेत्र में किस तरीके से भारत मालदीव को मदद दे सकता है, इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भावना जी, सुधीर अगर देखा जाए तो मोहम्मद मुइजू इस साल की ये दूसरी उनकी यात्रा है। हालांकि इससे पहले जब केंद्र सरकार की तरफ से जब पूरा शपथ ग्रहण समारोह था तब भी मोहम्मद मुइजू आए थे विशेष मेहमान के तौर पर और इस शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे। अब उनके पास ये उनकी ये दूसरी यात्रा, लेकिन अगर देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर और खासतौर पर जो द्विपक्षीय मुलाकात है उस पर हम सभी की नज़र रहेगी क्योंकि कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आज उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पिछला कुछ वक्त देखे तो भारत मालदीव के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को आया था, लेकिन जिस तरीके से मालदीव ने भारत के सामने बातें रखी और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का जो सागर विजन है, हम चाहते हैं कि इस रीजन में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे बढ़े, भारत की तरक्की के साथ जुड़े, तो उस लिहाज से देखें तो आज का दिन बहुत अहम है। अब से थोड़ी देर बाद जो राजघाट जाएंगे, इससे पहले उन्हें राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया जाएगा, उसके बाद उनकी मीटिंग होगी। तो खास बात इसके अलावा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा वो आगरा जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे और मुंबई जाएंगे, कई सारे बिजनेस इवेंट्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन सारी चीज़ों से समझा जा सकता है कि जो यात्रा है वो कितनी अहम है। लेकिन भारत के लिहाज से खास तौर पर बात करें कि जिस तरीके से भारत लगातार ये कहता रहा है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिहाज से, उसमें खासी जो दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो खासे बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद ये की जा रही कि आज की जो यात्रा है, तमाम खासतौर पर अगर ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, जिस तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज से मालदीव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और भारत लगातार वैश्विक मंचों पर क्लाइमेट चेंज को लेकर मुखरता से अपनी आवाज़ रखता रहा है। जो गोल्स है क्लाइमेट चेंज के वो भी भारत की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होने की संभावना है और इन मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं दोनों देश। जी सुधीर, इसके साथ साथ आपने जिस तरीके से बताया कि मोहम्मद मुइजू का बेंगलुरु जाने का भी कार्यक्रम है, अगर भारत मालदीव के व्यापारिक संबंध की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, तो उसको और मजबूती लाने के लिए जब वो वहाँ के प्रतिनिधिमंडल, भारत के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे, तो किस दिशा में व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देते हुए नजर आएंगे? देखिए ज़्यादातर अगर व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए तो भारत की तरफ से निर्यात वहाँ ज़्यादा होता है, आयात मालदीव की तरफ से बहुत कम है। कोशिश मालदीव की ये रहेगी कि इसको किस तरीके से और ज़्यादा पॉजिटिव किया जाए। भारत की कोशिश ये रहेगी, चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, हमारे रीजन के इंडियन ओशन रीजन के लिहाज से बहुत अहम देश है, तो भारत की तरफ से जो IT सर्विसेज है और तमाम बढ़ते हुए जो क्षेत्र जिन्हें भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, एक सर्विलेंस का एक ऐसा इलाका है, उनकी जो पैरामिलिट्री, उनकी जो डिफेंस फोर्सेज है, भारत उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, सर्वेलेंस और तमाम जो तकनीकें हैं उनमें उनको मदद दे रहा है। तो कोशिश ये होगी कि उस रीजन में किस तरीके से एक बेहतर माहौल, किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग भारत की तरफ से की जाए जिससे मालदीव को मदद मिल सके, ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं इस लिहाज से। और इन सब में आगे बढ़ने की उम्मीद है। IT एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद भारत मालदीव जरूर ये उम्मीद करेगा कि जो IT में एक बढ़ती हुई ताकत है, लगातार डिफेंस की अगर खास तौर पे बात करें, डिफेंस में जो लगातार तकनीक के लिहाज से हमारे स्टार्टअप बेहतर प्रदर्शन करें, ये तमाम क्षेत्र में किस तरीके से मालदीव इनका फायदा उठा सकता है, इस पर बातचीत हो सकती है। और इसके अलावा खास तौर पर किस तरीके से भारत जो नई तमाम चीजें लेकर आ गया है दुनिया के सामने, उनमें किस तरीके से मालदीव को साझेदार बनाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। जी
चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात होगी, इस मुलाकात पर तो हम सभी की नज़र लगातार बनी ही रहेगी, क्योंकि इस मुलाकात में ये मुलाकात बेहद ही अपने आप में अहम है और इस मुलाकात के जरिए कहीं ना कहीं कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार नक्सल से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हर संभव सहायता भी दे रही है। जहां अमित शाह ने नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी और उस बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा में निर्देश भी दिए थे। साथ ही अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की रणनीति से साल 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी भी आई है। और इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं और साथ ही 2024 के शुरुआती 9 महीनों में 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर सड़क निर्माण भी हो चुका है और करीब 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। तो नक्सलियों के खात्मे करने के लिए सरकार इस समय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे ताजा जानकारी लेना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में, इस बैठक के बारे में, और क्या है सरकार की रणनीति? क्योंकि अगर इस साल के आंकड़ों के बारे में देखा जाए तो बेहद ही सकारात्मक आंकड़े नजर आ रहे हैं और सरकार नक्सलवादी, नक्सलियों के खात्मे के प्रति कटिबद्ध नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से आत्मसमर्पण की खबरें भी नजर आ रही हैं, सरकार सिर्फ खात्मा ही नहीं उनके विकास के बारे में भी बात कर रही है। देखिए, आज 10 बजे से ये बैठक दिल्ली में शुरू होनी है और हम अगर पिछले आंकड़ों को देखें, आपने दिखाया भी कि किस तरह से उल्लेखनीय कमी आई है नक्सल हिंसा को लेकर, जो मौतें होती थी उसमें। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर विकास की रफ्तार बहुत तेज़ हुई है, चाहे वो सड़क निर्माण हो या मोबाइल टावर लगाने की बात हो। चूँकि मोदी सरकार हम देख रहे हैं कि 3 स्तर पर रणनीति बनाकर काम कर रही है, इन इलाकों में एक विकास की रफ्तार को तेज किया जाए, सड़कों का निर्माण हो, संपर्क कम्युनिकेशन बेहतर हो यानी मोबाइल टावर लगाए जाए और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की जाए। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जो नक्सली हैं उनको
कोई नरमी ना बरती जाए और एक तरह से देखें सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमने देखा है कि उसकी एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। और तीसरी बात यह है कि राज्यों के साथ एक सहयोग करके, यानी राज्य और केंद्र मिलकर नक्सल की समस्या से निपटने में काम करें। और यही वजह है कि आप देखें कि 2023 में 6 अक्टूबर को बैठक हुई थी और अब 2024 में आज 7 अक्टूबर को बैठक होने जा रही है। यानी जो समीक्षा बैठक है नक्सल की चुनौती से निपटने के लिए, वो भी नियमित तौर पर हो रही है, राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहा जा रहा है। तो इसका एक नतीजा हमने देखा है कि बीते 10 वर्षों में आप देखें 2014 के बाद से ये एक तरह से एक रिकॉर्ड है कि इतनी उल्लेखनीय कमी नक्सल हिंसा में कभी नहीं आई जितनी बीते 10 वर्षों में दिखाई दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल भी दिखाई देती है, सकारात्मक नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। जी शैलेंद्र, एक संक्षेप में आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जाए तो बैठक तो हो ही रही है, साथ ही मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय बनाने की भी ये कोशिश है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जो कार्रवाई भी की जा रही है उसके मुताबिक जो नक्सली वहां पर मौजूद हैं और जो संकल्प रखा गया है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का, इसमें ये बैठक भी अहम भूमिका निभाएगी। जो रणनीति रहेगी उसमें भी वो भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन आत्मसमर्पण भी नक्सली करते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, हम ये देखते थे पहले होता क्या था कि नक्सली इस बात को लेकर एक अभियान चलाते थे कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके के लोग हैं, उनको किसी न किसी बहाने कोई ना कोई तरह से बरगला के अपने साथ जोड़ पाए। लेकिन हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य ने मिलकर ये एक बड़ा एक अभियान चलाया है जिसमें नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई तो हुई है, साथ ही साथ उन इलाकों में विकास की जो रफ्तार है वो तेज हुई है। तो अब जो नक्सली किसी को बरगला सके ये एक तरह से देखें आशंका कम हुई है। और हमने देखा है कुछ लोग जो एक तरह से नक्सलियों के साथ किसी न किसी वजह से उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य मिलकर उनके कल्याण के लिए, उनके इलाके के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उसका अंतिम तौर पर फायदा उसी इलाके के लोगों को मिलने वाला है। यानी जो हमारे नागरिक हैं उनको इसका फायदा होगा, उनको तमाम अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो ऐसे में मुख्य धारा में शामिल होकर वो एक तरह से विकास का फायदा भी लेना चाहते हैं। तो हमने वो एक वो ट्रेंड भी देखा है। और दूसरी तरफ जो सख्त कार्रवाई हुई है उसका भी एक असर दिखाई देता है। तो हमने इसीलिए कहा कि कई स्तर पर एक रणनीति बनाकर काम हो रहा है गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में, और हम जानते हैं कि लगातार राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें तो हो ही रहे हैं और राज्यों के साथ समन्वय से ये काम आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तो अंतर्राज्यीय बैठकें तो हो ही रही हैं, इसके साथ साथ आज की बैठक पर भी सबकी नजर रहने वाली है क्योंकि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है नक्सलवादियों, नक्सलवाद के खिलाफ नकेल कसने पर। फिलहाल शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। काट, सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप बढ़ते अगली खबर की ओर। चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित वायुसेना के एयर शो के दौरान कल स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना भी की है। दरअसल आपको बता दें कि ठीक ठाक प्रबंध ना होने की वजह से 5 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ये इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री स्टालिन और DMK सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि घटना का एकमात्र कारण DMK सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के प्रति लापरवाही है। के अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न कराने का भी आरोप लगाया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भीड़ या कुप्रबंध के कारण मौतों का खंडन किया है।
चेन्नई से संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ अनबर्सन, सीधा उनका रुख करेंगे। I would like to take a recent update on that because the BJP has condemned that it was just not mere an accident. It was a complete failure of MK Stalin government. Even the other parties like AIADMK have also condemned. Now, what is the recent update and has any investigation been started? Actually, the report that yesterday Indian Air Force actually has been turned fragile and the five people have lost their life due to that large gathering. And that is a world record also. And 15 lakh people in and around near, they are accumulated and gathered as to see the Indian Air Force as so. And we see the various reports and criticism and also huge criticism from the public. Actually, the huge crowd management has been done by the state government, particularly the Marina Beach, where in the arterial roads of Marina Beach has didn't have enough parking space. The people have parked the vehicle inside the road, so people want, actually from early 7 a.m. onwards till 11 a.m. the people are accumulated around 2-3 hours to the Marina Beach, but the event is ended around 1 p.m. so entire crowd of around 15 lakh people just get out from the Marina Beach and they're going to the arterial road, so that has made a huge traffic and also stampede like situation in Marina Beach. So nearly around 5 people have died and still people are getting treatment in some various government VS hospitals in Rajiv Gandhi Hospital and various hospitals in Chennai. And the state health minister, Ma Subramanian, has stated the adequate civic communities and particularly health officials are deployed in the Chennai Marina Beach and they given around 7,500 police personnel and 6,000 medical personalities have been there in the Marina Beach. But still, the BJP state president Annamalai is totally strong on this move, and particularly he said that the entire DMK government and the state government is failure on this. So this kind of level, actually, Indian Air Force has estimated nearly 15 lakh people may come to that event. So after this event, the BJP by that AIADMK chief. So this was Anbarsan giving us the update कि 15 लाख से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स थे जो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स के बाद भी मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो लॉजिस्टिक्स थे, वहाँ कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही थी। हालांकि बीजेपी ने पूरा आरोप लगाया है कि एमके स्टालिन सरकार की तरफ से अच्छी तरीके की व्यवस्था नहीं करी गई, इसी वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इससे ज़्यादा 200 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं और अभी भी उनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें और भी होंगी। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। कट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल लद्दाख के थोइ से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7,000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। थोइस एयरफोर्स स्टेशन समुद्र तल से 3,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफोर्स स्टेशनों में से एक है और रैली का समापन 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में होगा। रास्ते में वायु योद्धा 16 पड़ावों पर रुकेंगे, जहां वे विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे।
भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी तरह के अनोखे सार्वजनिक आउटरीच कदम के तहत 8 अक्टूबर को वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर थॉइस एयरफोर्स स्टेशन से तवांग तक भव्य कार रैली का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत वायुसेना योद्धाओं का समर्थन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये रैली IAF द्वारा उत्तराखंड युद्ध स्मारक के सहयोग से आयोजित की गई है। IAF की एडवेंचर सेल इस रैली का नेतृत्व और समन्वय कर रही है। ये रैली अक्टूबर में शुरू होकर नवंबर में पूरी हो रही है। अक्टूबर के महीने में ही चीन ने हम पर हमला किया था, विश्वासघात किया था, और जिस जगह से हम लोग यहाँ आए हैं वहाँ पे हमने लड़ाई की थी, और इसी जगह से मेजर शैतान सिंह ने चीनियों का मटिया मेट कर दिया था, जिनको बाद में भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया। उनकी वीरता की गूंज यहाँ अभी भी मौजूद है। और उत्तराखंड से जसवंत सिंह रावत राइफलमैन ने चीनियों को मिट्टी में मिला दिया था, उनको बाद में महावीर चक्र मिला। तो मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा हम महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत की वीरता की गाथा नेफा जो पहले था अरुणाचल प्रदेश तक लेके जा रहे हैं, और देश के नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जिंदगी का उद्देश्य अगर सशस्त्र सेनाओं में आकर पूरा करेंगे तभी जिंदगी अच्छी बनेगी। रैली में खास तौर पर उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज तवांग तक जाएंगे। विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट की कमान में वायुसेना और सेना के कई अधिकारी इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। रैली में 50 से अधिक वायु योद्धाओं में महिलाएं भी शामिल हैं। हो ही नहीं सकती, आपको एक ही जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है। लोगों को इंस्पायर करने का, एडवेंचर में जीने का, हर टेरेन में लाइफ को बिताने का, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे प्लेन्स हो। हमारा इंडिया का टेरेन इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ है यहाँ। बट आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यदि आप हैं तो आप हर तरह के टेरेन में जा सकते हो और अपनी लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लद्दाख से हम अरुणाचल प्रदेश तक के जाएंगे, और हमारा ये संदेश है सबके लिए कि वो बढ़ चढ़ के आए और राष्ट्र निर्माण के काम में सहयोग करें। जय हिंद। इस भव्य रैली में तय की जाने वाली यात्रा की कुल दूरी 7000 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रैली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी लेह में इस लॉन्च में एक दिलचस्प टैगलाइन हाँ हम लड़ाकू विमानों के लिए भी राजमार्ग बनाते हैं के साथ भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से रैली को रवाना किया था। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोचें, और यह भाव अधिक से अधिक फैलाना मैं समझता हूँ यह बहुत ही आवश्यक है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं, और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। विजयी वायु योद्धाओं के सम्मान में एक हिंदी वायुसेना गान जय हिंद की वायुसेना, जय हिंद के वायुवीर भी इस मौके पर जारी कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य सभी को IAF के गौरवमय इतिहास और वायु योद्धाओं की वीरता के बारे में बताने के साथ साथ मातृभूमि की सेवा के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज। और अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे की, जिसमें आने में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। चलिए एक नजर डालते हैं कल होने वाली मतगणना के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतों की, तो गिनती के लिए 90 क्षेत्रों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि यह मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों के मुख्यालयों में बनाए गए हैं। कालका और पंचकुला विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के मतों की गिनती पंचकुला में, और साथ ही नारायणगढ़, अम्बाला, कैट, अम्बाला सिटी और मुलाना क्षेत्रों की मतगणना अम्बाला में बनाए गए 4 केंद्रों पर की जाएगी। वहीं यमुनानगर जिले की 4 सीटों की मतगणना यमुनानगर में बनाए गए केंद्रों पर होगी, और इसी तरह हर जिला मुख्यालय में उस जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना होगी।
सीसीटीवी से सभी स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 स्तरीय सुरक्षा में रखा गया है, जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। इसके साथ ही मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है और कल इन स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी और साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या फिर 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होती है। बढ़ते हैं अब आगे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंडफॉर जॉब केस में पेशी है और इनके साथ ही अन्य आरोपियों में अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को भी आज कोर्ट ने तलब किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिसमें पहली बार तेज प्रताप यादव को आरोपी बनाया गया। जमीन के बदले नौकरी का ये मामला देश के बहुचर्चित मामलों में से एक है, जिसमें लालू परिवार के ज्यादातर सदस्य आरोपी हैं। साथ ही आपको बता दें कि लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन लेकर गलत तरीके से उन्हें रेलवे में नौकरी दिलवाई। और इसी के साथ अब नया सवरा में अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स 9 अक्टूबर शाम 6 बजे जेएलएन ऑडिटोरियम से कैंडल मार्च निकालेंगे। आरडीए एम्स पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टर अभिया के लिए न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। एम्स के आरडीए ने कहा है कि हम इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए त्वरित और निर्णायक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। गुजरात के लिए आज का दिन बेहद ही खास और सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। इस दिन को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर अब तक की गुजरात की संकल्प से सिद्धि तक की इस यात्रा को उजागर करने के लिए गुजरात सरकार विकास सप्ताह मना रही है। तो आपको बता दें कि विकास सप्ताह के नाम से जाने जाने वाला ये कार्यक्रम आज से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 2001 से नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हासिल की गई तमाम उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। विकास सप्ताह के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, सूरत डायमंड बोर्स और द्वारका सुदर्शन ब्रिज सहित राज्य भर के 23 प्रतिष्ठित स्थानों पर गुजरात के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विकास पदयात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। सप्ताह के दौरान कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। साथ ही अगर देखा जाए तो इनमें स्कूलों और कॉलेजों में विकास थीम वाले निबंध प्रतियोगिताएं, स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही दीवारों पर पेंटिंग और इसके साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यकरण भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नागरिकों को हैशटैग विकास सप्ताह का उपयोग कर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के शासन के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें कि समारोह के दौरान गुजरात सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। वहीं विकास सप्ताह का प्रत्येक दिन एक खास विषय को समर्पित होगा। इसमें युवा सशक्तिकरण दिवस, सुशासन दिवस, उद्यमिता दिवस और पोषण और स्वास्थ्य दिवस इसमें शामिल है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH, MDH, MDH.
शॉट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुरियां भर देती हैं, रीबार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, नया सवेरा देख रहे हैं आप। और नया सवेरा में अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 का कल समापन हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की बात सामने रखी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, तो ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के पड़ोसी देशों से इस संबंधों पर विस्तार से बात की है। विदेश मंत्री ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच UN जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए। के अंतिम दिन ग्लोबल साउथ से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान पर सदस्य देशों ने चर्चा की और अपने अपने विचार रखे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया एंड द ग्लोब विषय पर समापन सत्र में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के अपने पड़ोसी देशों के संबंधों सहित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और मौजूदा समय में वैश्विक चुनौतियों से सामना करने की संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। Probably the biggest thing which happened in our lives was COVID. Now think about what did the UN do on COVID, and I think the answer is not very much. Now you have two conflicts going on in the world today, two very serious conflicts. Where is the UN on them? Essentially a bystander. वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त विदेश नीति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत और प्रगतिशील संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया को AI के संभावित खतरों के बारे में भी आगाह किया। It's in the nature of things that every nation naturally prioritizes its interests, but I would argue that Global South itself has great value on a multiple range of issues. And I don't have to position myself as a leader of the Global South. You are part of a collective, and if in the collective you are a trusted member of the collective and you are a articulate member of the collective, I think people expect you to do a little bit more. Again, I'm not entirely sure that some of the answers can be found bilaterally. कॉन्क्लेव के समापन सत्र में भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेके दोरजी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भूटान और भारत की विकास यात्रा में भारत की भागीदारी और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। 4 अक्टूबर को शुरू हुए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भविष्य में दुनिया की रूपरेखा और विकास की डगर पर सभी को एक साथ लेकर चलने की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली का मौसम भले ही सामान्य हो, लेकिन सियासी तापमान बढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी और BJP दोनों ने कल दिल्ली में रैलियां बुलाकर एक दूसरे के खिलाफ आग उगली। दरअसल आपको बता दें कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली का माहौल इन दिनों गर्मा गया है। क्या कुछ रहा रैलियों में खास, आइए देखते हैं वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासत गर्माई हुई है। BJP और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो पहले से ही चल रहा था, अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता को बचाने की जद्दोजहद है, तो BJP हर हाल में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसी कड़ी में दोनों पार्टियों ने रविवार को दिल्ली में रैलियां की और एक दूसरे पर करारा हमला बोला। दिल्ली के बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के सभी BJP सांसद शामिल हुए।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीरेन सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों से बंद पड़ी म्यूटेशन को लागू करवाने और अनधिकृत कॉलोनियों में बिना एनओसी के बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने भी एक रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। मनोज तिवारी ने पलटवार किया और कहा कि चोर मचाए शोर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। इसी को कहते हैं कि चोर मचाए शोर। तो चोर को चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अब वो अलग तरह तरह के टेंट्रम्स कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चोर मचाए शोर, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि देश में योगी और मोदी की सरकार ना रहे, ताकि हम भ्रष्टाचार दोगुनी ताकत से करते रहें। सत्ता और विपक्ष दोनों के दावे भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। बहरहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। मुकेश शुक्ला के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज दिल्ली। तो ये तो बात रही दिल्ली की राजनीति की, लेकिन इसी के साथ अब नया सवरण में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं त्योहारों की, यानी कि इन दिनों माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, उसकी बात करेंगे, आदि शक्ति की आराधना की बात करेंगे। शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। जगह जगह माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना चल रही है, और साथ ही इस मौके पर दिल्ली के झंडे वाला देवी मंदिर में आज माँ के पांचवें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। और इस वक्त ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो ये दिल्ली के झंडे वालान मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर माता की पूजा आराधना की जा रही है। और आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का जो पांचवा दिन है, और पांचवा दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप की आराधना की जाती है, और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। झंडे वालान मंदिर की तस्वीरें, जहाँ लंबी लंबी कतारों में लोग भक्त खड़े होकर माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ के जयकारे लगा रहे हैं। और यहाँ सुबह सुबह आरती भी करी गई। माँ स्कंद माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, और आज पांचवा दिन है, तो पांचवा स्वरूप माँ का, नौ देवियों का, नौ स्वरूपों में से पांचवा स्वरूप स्कंद माता का स्वरूप है, जिसमें कहा जाता है कि स्कंद माता सभी मनोकामनाओं को पूरा करती तो है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी देती है। और इसी के साथ नए सर्वों में बढ़ते आगे, और अब नजर डाल लेते हैं देश भर की कुछ और तमाम अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों और किसान संगठन के नेताओं से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह ने 24 सितंबर को नियमित तौर पर अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत करना आरंभ किया था। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण भी करना है। दिल्ली की एक कोर्ट में आज राज्य के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। कोलकाता की दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा था कि मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन वकील ने शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट आज जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। उमर खालिद सितंबर 2020 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत सलाखों के पीछे हैं। और अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का।
और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी का। रेशमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है तमाम अखबारों की सुर्खियों को लेकर के। रेशमा, आज जो आपके सामने अखबार इस वक्त मौजूद है उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिन्हें जगह दी गई है? बिल्कुल, अहम सुर्खियों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले भावना और कृतिका आपको सुप्रभात और हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनसत्ता की, बल्कि आपको बता दें कि ज़्यादातर समाचार पत्रों ने इस खबर को अपने पहले ही सफ़े पर जगह दी है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो इस वक्त भारत दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेंगे। और साथ में आपको बताते चलें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार मुइजो इस यात्रा में मोदी जी से अपने हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कई और भी विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़ास सुर्खी पर। आपको बता दें कि कश्मीर के गुलमर्ग सहित कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हल्की बर्फबारी हुई है और लोगों ने इसका लुत्फ भी उठाया है। उत्तर पश्चिम भारत में हफ्ते भर और पड़ेगी गर्मी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। आपको बता दें कि इस साल मानसून सामान्य से 8-10 दिनों के बाद वापस आया है और जिसकी वजह से दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को एक सप्ताह अभी और गर्मी सहनी पड़ सकती है। तो ये मौसम का इशारा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर, भारत बनेगा दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब। ये एक ख़ास खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र ने अब तक 1.52 लाख करोड़ के निवेश मूल्यों के 5 सेमीकंडक्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और साथ में भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक $64 अरब तक पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। और अब एक और ख़ास सुर्खी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है। बेअसर साबित हो रही हैं एंटीबायोटिक दवाएं। जी हां, आपको बता दें कि भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कहा है कि BSI का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और ICMR की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें ये खुलासा किया गया है कि जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएँ हैं वो अब असर नहीं कर रही हैं, जिस पर शोध किया जा रहा है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। और चलते चलते आइए एक और ख़ास सुर्खी देख लेते हैं, ये खेल की सुर्खी है। भारतीय महिलाओं ने किया है पाक को फतेह, यानी पाकिस्तान पर फतेह हासिल की है भारतीय महिलाओं ने T20 विश्व कप। अरुंधति रेड्डी की बात करें तो 3 जबकि श्रेयंका पाटिल ने 2 विकेट झटके हैं। और आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 105 रन बनाए थे और भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। तो ये थी समाचारों की खास सुर्खियां। रेशमा, अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ नया सवर में आगे बढ़ते हो, अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ अपने हमलों को और तेज कर दिया है। पूरे बेरूत में रात भर गोलीबारी हुई। इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय और हथियार भंडारण सुविधाओं से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्ला ने रॉकेट्स गिराए हैं और इस हमले में करीब 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। कराची में हुए आतंकवादी हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हुआ है, साथ ही कई पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हो गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और बात करते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरों की। अंदाज रहेगा फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक आज से शुरू होगी। 3 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनियां रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड 17,600 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने और शून्य कर्ज की स्थिति के साथ अपनी वृद्धि रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 25.96 करोड़ शेयरों का अलॉटमेंट मिला है। बीमा कंपनी ने इन शेयरों के औसतन 57.36 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा है।
चालू वित्त वर्ष के पहली छमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज और मेक्रोटेक डेवलपर्स ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की बिक्री की। दोनों कंपनियों के संयुक्त बिक्री सालाना आधार पर 56% की वृद्धि दर्ज की गई। और अब खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने पहले T20 में कल बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारत ने इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। मौजूदा महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की यह पहली जीत है। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने प्रतिष्ठित सोंगही सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। पंकज ने स्थानीय दावेदार जेडन ओंग को 5-1 से हराकर खिताब हासिल किया। और आप खबरें देख लेते हैं फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से, अंदाज रहेगा फटाफट। जूनियर एनटीआर जानवी कपूर और सैफ अली की फिल्म देवरा पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत की थी। तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट 1 400 करोड़ के नजदीक पहुंच चुकी है। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टाइटल ट्रैक आज रिलीज होने वाला है। जिगरा के ट्रेलर में आलिया भट्ट सत्या की भूमिका निभाती हैं, जो एक समर्पित बहन है जो अपने भाई अंकुर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसका किरदार वेदांग रैना ने निभाया है। अक्षय कुमार स्टारर की कॉमेडी फिल्म खेल खेल में 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस फिल्म में वाणी कपूर, तापसी पन्नू, एमी विर्क, प्रज्ञा जायसवाल और फरदीन खान भी हैं। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं जामनगर में नवरात्रि के दौरान मशाल के साथ गरबा करते हुए युवकों की सुंदर झलकियां। और शारदीय नवरात्रों का दिन चल रहा है और इस समय गरबा महोत्सव भी कर रहा है, आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।